नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। मैं आपका दोस्त भारत जांगिड़ आज आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों प्रेस का वीडियो, जो कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो प्रेस है हैवेल्स कंपनी का प्रेस है दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इस प्रेस में क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप से हम इसे ठीक करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए चैनल पर बने रहें और वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें, ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट में हम देखिए टेस्टिंग लैंप में जो हमारी प्रेस है उसका मेन लीड लगाकर चेक करेंगे। ये देखिए काफ़ी नॉब को बहुत ज़्यादा घुमाने के बाद हमारा जो टेस्टिंग लैंप है ग्लो करा है, जला है। तो दोस्तों देखिए प्रेस का जो थर्मोस्टेट है बिल्कुल प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा घुमाने के बाद में बिल्कुल लास्ट में हल्का सा ये काम कर रहा है, वो भी कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रेस को हम कंप्लीट ठीक करके आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, और चैनल पर फर्स्ट में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस टाइप का जो भी हमारा नॉलेजफुल वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो इंडिकेटर का ये ग्लास है उसको निकालने के बाद में हमें यहाँ पे भी एक शीशा मिल, इसके अंदर देखिए एक पेच मिलेगा छोटा सा, उसको भी खोलना है दोस्तों क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है, इसके बिना प्रेस खुल नहीं पाएगी। तो फर्स्ट में मैं इसी को आपको बता देता हूँ, काफ़ी ये सीक्रेट वाला पेच है, ये हर किसी को पता नहीं होता है, तो इस चक्कर में दोस्तों पूरी प्रेस खुल नहीं पाती है, और मात्र एक छोटे से पेच के चक्कर में हमारी जो प्रेस है आराम से घर में ख़राब पड़ी रहती है। तो यहाँ से देखिए ये पेच खोलने के बाद में ये आसानी से यहाँ से ये जो पार्ट है इसका हैंडल का निकल जाएगा यहाँ से। उसके बाद में दोस्तों हम देखिए जो बैक पार्ट है इसका उसको खोलेंगे, जहाँ पर हमारी मेन लीड कनेक्ट है, यहाँ से दोस्तों ये काफ़ी आसानी से खुल जाता है। उसके बाद में दोस्तों इसके हैंडल का जो पेच है इनको निकाल लेंगे हम, और एक पेच देखिए आगे भी इसमें लगे हुए हैं दो पेच, जो कि हमने हैंडल इसका खोला था। तो दोस्तों ये जो सीक्रेट पेच है, ये दोनों पेच खोलने के बिना हमारी प्रेस है बिल्कुल नहीं खुल पाती। तो दोस्तों ये काफ़ी ध्यान रखना आपको, इस टाइप की जो प्रेस होती है उसमें हैंडल में अंदर ज़रूर पेच मिलते हैं, उनको ज़रूर खोलना होता है। तो दोस्तों ये देखिए कनेक्शन जो लीड है हमारी मेन लीड प्रेस की, उसको भी हमने खोल दिया है। तो दोस्तों उसके बाद में देखिए जो इसका जो प्लेट, जो नीचे एलिमेंट वाली प्लेट है उसका जो कवर है ये, इसको हम निकाल देंगे। उसके बाद ही हमें देखना होगा इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। तो दोस्तों इसका थर्मोस्टेट जला हुआ है, उसे भी हम खोल के अलग कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ एक बार इसको, ये इसका जो थर्मोस्टेट के पॉइंट है देखिए आपको ब्लैक नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल डैमेज है दोस्तों, स्पार्क करके जल चुके हैं बिल्कुल, दोनों पॉइंट डैमेज हो चुके हैं। तो दोस्तों इसी की वजह से ये जो हमारी प्रेस है प्रॉब्लम कर रही है यहाँ से, ये देखिए। तो दोस्तों हमारे पास दूसरा थर्मोस्टेट है, नया नहीं है बाकी ठीक है, हमारे पास रखा हुआ है, तो हम इसी को इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो इसके पॉइंट आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ओके पॉइंट है, और इसकी वर्किंग देखिए आप बिल्कुल वर्क भी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसे हम हमारी प्रेस में लगाने वाले हैं इसको, और बाकी आप मार्केट से भी परचेज करना चाहें तो आपको आसानी से लगभग 70-80 रुपए में अच्छी क्वालिटी का जो थर्मोस्टेट है मिल जाता है। दोस्तों थर्मोस्टेट लगा दिया है हमने, इसके बाद में जो इंडिकेटर के वायर है दोस्तों इनका भी ध्यान रखना है। देखिए जो हमारी थर्मोस्टेट से आउटपुट निकलती है जो एलिमेंट के साथ, इस पर हमने रेड वायर इसका एक वायर लगा दिया है इंडिकेटर का यहाँ पर, और जो दूसरा वायर है हमारा वो हमने न्यूट्रल के साथ लगा दिया है। तो दोस्तों इंडिकेटर के दोनों वायर अंदर ही कनेक्ट हो चुके हैं, देखिए लगने के बाद में यहाँ पे बिल्कुल काम कर रहा है हमारा थर्मोस्टेट, जैसे ही बिल्कुल हमारे मिनिमम पे करते हैं यहाँ पे बिल्कुल इससे आगे जाएगा नहीं थर्मोस्टेट, यहाँ पे बिल्कुल कट हो जाना चाहिए, और जैसे ही हम इसको आगे करेंगे यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है हमारी प्रेस, ये देखिए। तो दोस्तों इसी टाइप से आपको बिल्कुल सेट करना है, और उसके बाद ही आपको थर्मोस्टेट फिट करना है दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल थर्मोस्टेट इसी टाइप से सेट करना है, बिल्कुल मिनिमम पे कट हो जाना चाहिए और हल्का सा आगे करते ही ऑन होना चाहिए। चलिए प्रेस को पैक कर देते हैं दोस्तों, काफ़ी जगह से वीडियो फास्ट कर दिया है ताकि ज़्यादा लंबा ना बने। चलिए मेन लीड लगा लेते हैं, फर्स्ट में हम लगाएंगे इसका अर्थिंग वायर दोस्तों, जो भी ग्रीन वायर है इसका बॉडी अर्थ का, जो कि बॉडी में कनेक्ट होता है, जो कि दोस्तों प्रेस में काफ़ी ज़रूरी है, प्रेस है या फिर
कोई भी अपना होम अप्लाइंसेस हो, कुछ भी, उसके अंदर आपको अर्थिंग का वायर दोस्तों ज़रूर यूज़ करना है, ताकि आप कोई फॉल्ट से बच सकें और करंट से भी बच सके। यदि कोई शॉर्ट सर्किट हो तो जो उपकरण है आपका, आपको करंट ना मारे। तो इसके बाद में दोस्तों देखिए, जो हम लगाने वाले हैं रेड वायर मेन लीड का, जो कि फेज का वायर है, ये देखिए दोस्तों हमारा जो थर्मोस्टेट का वायर है सीधा उसके अंदर सिर्फ जुड़ने वाला है ये यहाँ पे हमने इसको भी टाइट कर लेना है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा ब्लैक वाला वायर, लास्ट वाला वायर बचा है। ये हमारा एक वायर जो ब्लैक कलर का वायर जो कि एलिमेंट के ऊपर से आ रहा है, इसके ऊपर लग जाएगा ये आराम से। दोस्तों कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर टाइट कर लेना है आपको, ताकि चलते वक्त प्रेस लूजिंग से स्पार्क ना करे और आपके वायर भी नहीं जले, तो इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा। और ये इंडिकेटर को हम सेट कर देंगे वापस से हैंडल के अंदर जहाँ से हमने इसे निकाला था, और इसके सभी पेच लगा लेंगे दोस्तों। दोस्तों हैंडल को बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर लेना है ताकि लूज ना रहे। तो दोनों पेच अंदर के हैं दोस्तों, ये सीक्रेट वाले, ये भी आपको लगाने हैं ताकि हैंडल है जो आपका हिले नहीं, बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए। चलिए इसके बाद में हमें इंडिकेटर सेट कर लेना है यहाँ पे इस टाइप से, इस पार्ट के अंदर इंडिकेटर लगाकर इस पार्ट को हम लगाएंगे, और फिर इसके बाद में इंडिकेटर को थोड़ा साइड में रख के इस पेच को भी लगाएंगे यहाँ से, ताकि ये जो पार्ट है निकले नहीं। और इसके बाद में इंडिकेटर का जो ग्लास है उसको हमने फिट कर दिया यहाँ पे, ये देखिए। तो दोस्तों इसके बाद में हम मेन लीड को सेट करेंगे। मेन लीड को दोस्तों यहाँ पे इधर जो ग्रिप है इसके अंदर फंसा कर अच्छे से घुमा कर यहाँ पे सेट करके आपको लगाना है, ताकि वायर है जो मेन लीड का यूज़ करते वक्त खींचे नहीं। और ये देखिए यहाँ से ये दोनों लॉक हैं जो बैक कवर के, इसके जो बैक वाले पार्ट के, इनको लगा कर इसका जो पेच है उसे भी हम टाइट कर लेंगे बिल्कुल। तो दोस्तों लगभग प्रेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मात्र टेस्टिंग के लिए तैयार है बिल्कुल। उससे पहले दोस्तों इसका जो नॉब है उसको भी हम लगाएंगे। ये नॉब देखिए, इसको ध्यान रखना है आपको, कट वाले हिस्से की तरफ लगाकर इसको बिल्कुल अंदर दबा देना है बिल्कुल, और आसानी से बिल्कुल लग जाएगी ये देखिए। बाकी ध्यान रखना है आपको कट का, वरना आपकी जो नॉब है अंदर की तरफ से मुड़ सकती है, डैमेज भी हो सकती है थर्मोस्टेट। तो दोस्तों चलिए टेस्टिंग लैंप में लगाकर चेक करेंगे। ये देखिए बल्ब बिल्कुल ग्लो कर रहा है दोस्तों, हल्का सा ही थर्मोस्टेट घुमाते ही, ये देखिए ऑफ भी हो जाता है। उसके बाद में हम डायरेक्ट सप्लाई वाले सॉकेट में लगाएंगे इसको, क्योंकि ये वाला जो सॉकेट है हमारा बिल्कुल सीरीज के लिए है। तो ये हमारा डायरेक्ट वाला सॉकेट है, और चलिए ऑन करते हैं स्विच। ये देखिए बिल्कुल इंडिकेटर आ चुका है दोस्तों, प्रेस हीटिंग हो रही है, यहाँ से देखिए ऑफ भी हो गई है। तो दोस्तों दोनों बिल्कुल ऑन ऑफ, बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है इसका थर्मोस्टेट। चलिए ऑन, और बिल्कुल हीटिंग पे है दोस्तों, देखिए इस लेवल पे गर्म हो चुकी है हमारी जो प्रेस है। उसके बाद इसको थर्मोस्टेट को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम, और बढ़ाने के बाद में देखिए बिल्कुल प्रेस आगे दोबारा से गर्म होने लगेगी। ये देखिए इंडिकेटर आ चुका है दोस्तों, हीटिंग पे है प्रेस। तो दोस्तों जितना हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे प्रेस इतना ही ज़्यादा गर्म होती जाएगी, और ठंडी होने के बाद वापस से गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल प्रेस हमारी ओके हो चुकी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों इसी टाइप के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त भारत जांगिड़, आपसे लेता हूँ इजाज़त। मिलते हैं इसी टाइप के किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।